नमस्कार सभी साथियों को, मैं रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यू का क्यू स्टडी पर। आज देखिए रीजनिंग की क्लास थर्ड है, दो क्लास तक हो चुका था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और नहीं तो इस वीडियो के लास्ट में आपके स्क्रीन पर दो वीडियो को थंबनेल आएगा, आप वहाँ से भी टाइप कर देख सकते हैं। आज देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति, ये फिगर काउंटिंग का पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए बताया गया है कि जो ब्लैंक है इसमें क्या भरना है। तो देखिए सबसे पहले है कि ये सर्कल है, सर्कल को दो भाग में बांटा गया, एक भाग को नीचे रखा गया, एक भाग को ऊपर रखा गया। इसी तरह से ये जो है इसको दो भाग में बांटना है। तो ये भाग पहला भाग होगा सो इस तरह से रहेगा, और दूसरा जो है सो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा सो सेकेंड आपका यहाँ सही होगा। आप लोग देखिएगा इसका जो आंसर होगा सो सेकेंड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है इसको जो कट किया है तो एक भाग को नीचे रखा है, दूसरा भाग को इसके ऊपर रखा है उलट कर। उसी तरह से इस फिगर को भी एक भाग को नीचे रखा जाएगा और एक भाग को उलट कर इसी के ऊपर रखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है कि चार मित्र एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, रमेश सुरेश के दाईं ओर है और तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखना है कि एक आयताकार मेज है, तो एक आयताकार मेज को हम बना दें। इसमें कहा गया है कि जो बनाए रमेश जो है सो सुरेश के दाईं ओर है, तो अगर हम यहाँ रमेश को रखते हैं तो सुरेश, देखिए रमेश को अगर हम यहाँ रखते हैं, रमेश को अगर यहाँ हम रखते हैं तो सुरेश जो होगा सो यहाँ होगा, क्योंकि सुरेश के दाईं ओर है। उसके बाद बताया है कि महेश लोकेश के बाईं ओर है, तो अगर लोकेश को हम यहाँ रखते हैं तो महेश जो है सो उसके बाईं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। तो इसमें बताया है कि कौन दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। तो देखिए लोकेश ये जो है सो सुरेश के बाईं ओर है ना। तो ये तो जो डायरेक्शन है, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है जो कि एकदम फिट बैठ गया। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन ऐसे दो मित्र हैं जो कि आमने सामने बैठे हैं, तो लोकेश और रमेश जो है सो आमने सामने बैठे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुरेश अनिल से भारी है लेकिन इतना भारी नहीं जितना कि राजू है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे कि सुरेश जो है सो अनिल से भारी है, तो अनिल अगर यहाँ हम रखते हैं अनिल को, तो सुरेश जो है सो अनिल से भारी है, तो अनिल से भारी है यानी कि सुरेश हो गया, ठीक है। जो भारी है उसका इस तरह से एरो रखेंगे। उसके बाद है कि अनिल जो है सो जयेश से भारी है, अनिल ये है तो ये जयेश हो जाएगा, जयेश से भी अनिल भारी है। उसके बाद कहा है कि कृष्णन जो है सो सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है, तो कृष्णन जो है सो सुरेश से भारी है, सुरेश से जो भारी है कृष्णन लेकिन राजू से हल्का है। तो इस टाइप के यहाँ लिखेंगे कि ये कृष्णन हो जाएगा और ये जो हो जाएगा यहाँ राजू हो जाएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में राजू हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि इनमें से सबसे भारी कौन है, ठीक है, तो सबसे भारी कौन है तो राजू हो जाएगा, क्योंकि राजू सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ सही हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझे तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी माह की 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह को 24 तिथि को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से बनाएंगे। अगर किसी भी महीना के एक ही महीना में अगर पूछा जाए दिन को, तो उस दिन को हम इसमें डिवाइड करेंगे। अगर पूछा है कि किसी माह को 6 तिथि को मंगलवार है तो उसी माह को 24 तिथि को कौन सा दिन होगा, यानी कि एक ही माह में के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 24 तिथि को कौन सा दिन होगा, 24 हम लिख लेंगे और 6 तिथि को मंगलवार है तो इसमें 6 हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि 18 जब आया तो इसको 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 7 × 14 पर गया, ठीक है, 2 से कटा और ये 4 इसका शेष बचा, 4 इसका शेष बचा। तो जो शेष बचेगा यानी कि 4 दिन जो शेष बचेगा उसको हम मंगलवार से जोड़ेंगे, क्योंकि बता रहा है कि अगर किसी तिथि को मंगलवार को 6 तिथि को मंगलवार है तो मंगलवार से 4 दिन और जोड़ेंगे,
तो हो जाएगा बुध हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र होगा और शनि होगा, यानी कि चौथा दिन जो है सो शनिवार आ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कब अगर समय से इंडिकेट करता है तो कहाँ किससे करेगा। तो देखिए कब जो है सो समय से अगर इंडिकेट करता है तो कहाँ जो है सो जगह से इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगर नदी बांध को इंडिकेट करता है तो यातायात जो है सो संकेतक को निरूपित करेगा, ठीक है, क्योंकि नदी जो है तो नदी के पानी को अगर बांध रोकता है तो यातायात में गाड़ियों को कौन रोकता है? तो संकेतक रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इसका हम ऑप्शन दिखला दें। तो इस प्रश्न आकृति को कौन ऐसा फिगर जो है इसमें है जो कि जोड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है सो ऑप्शन नंबर बी जो है सो इसको जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा इसको देख लीजिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसमें देखिएगा कि एरो किस तरह से है। तो एरो जब भी है सो तिरछा, एक सर्कल में, एक सर्कल अगर ऐसे है, ठीक है, तो उसमें जो भी एरो है सो ऐसे तिरछा के टाइप में, और वो जो भी एरो है वो आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा है जो कि एरो तिरछा, बाकी सारा एरो जो है सो उल्टा पुल्टा है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है तो कमल रवि से किस प्रकार का संबंध रखता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं कि अगर कमल कहता है कि रवि की माँ, देखिए ये हो गया कमल हो गया, ठीक है, इसको चलिए देखते हैं। इसको चलिए देखते हैं कि यदि कमल कहता है कि रवि की जो माँ है सो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो देखिएगा ये कमल हुआ, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे कि कमल की जो माँ है, तो कमल कहता है कि जो रवि की माँ है, रवि की जो माँ है सो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल का रवि से किस प्रकार का संबंध है। तो ये जो संबंध है सो मामा और भांजा का है, लेकिन इसके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शंस में दिया गया है दादा है, पिता है, भाई है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसको समझिएगा अच्छी तरह से कि यदि कमल कहता है कि रवि की माँ, देखिए ये हो गया कमल हो गया, ये होगा रवि हो गया, तो रवि की माँ जो है सो उसके सामने लिख देंगे और कमल की माँ को उसके सामने लिख देंगे। तो रवि की माँ और कमल की माँ का इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी ये बेटी हुई, ठीक है, और रवि की जो माँ हुई और कमल की माँ, तो रवि और कमल का जो संबंध है सो मामा भांजा होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिसिंग वर्ड से है, यानी कि 8 है, 13 है, 10 है, 7, 12, 9 है, 10, 15 और फिर ब्लैंक। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सोचते हैं कि अगर हम 10 और 8 को अगर हम ऐड करते हैं तो 18 होगा, और 7 से अगर हम जोड़ते हैं तो 7 × 14, 7 × 2, 7 × 14 और प्लस 4। इस क्वेश्चन को इस तरह से हम हल करेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे कि 13 और 15 दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनेगा। 13 15 अगर हम ऐड करते हैं तो 28 यानी कि 28 बनेगा, और 12 को अगर हम इसमें करते हैं तो 12 × 2, 12 × 24 और प्लस 4 बन रहा है, सीरीज बनाना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो 10 और कितना और सेलेक्ट करें जो कि 9 × 8 होगा और प्लस में 4 होगा, ठीक है, 9 × 18 होगा और प्लस में 8 होगा, 4 होगा। उसी तरह से इसमें भी हम किस कौन ऐसा जो ऑप्शन है चुने जो कि 9 × 18 होगा, 9 × 18 होगा और प्लस में 4 होगा, 18 × 4 कितना होता है? 22 होता है। तो 10 में कौन ऐसा शब्द जोड़ें, कौन ऐसा अंक जोड़ें जो कि 22 हो। तो देखिए ऑप्शन सी ही एक ऐसा है जो कि 10 में हम जोड़ सकते हैं जो कि 12 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको समझिएगा और अच्छी तरह से। देखिए इसको समझिएगा अच्छी तरह से, इसमें कुछ करना नहीं है, यही करना है कि फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करना है। तो 10 8 कितना हुआ? 18। उसके बाद 7 जो है सो यानी पिछले वाले अंक को गुना करना है दो बार, 7 × 14 और प्लस 4 यानी कि 2 × 2 और प्लस में 4 ऐड होगा। उसी तरह से देखिए 13 और 15 जो है सो कितना हुआ? 28 हुआ, 13 15 जो है सो 28 हुआ।
तो 12 को अगर हम ऐड करते हैं तो 12 दुना 24 यानी 12 गुने 2 प्लस 4 होगा, 12 दुना 24 और 4 28। तो ठीक उसी तरह कौन ऐसा इसमें से ऑप्शन चुने जो कि 10 और 12 अगर हम चुनते हैं तो 22 होता है, तो 9 दुना 18 होगा और प्लस में 4 22 होगा, बस इसी को देखना था। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कोड भाषा में HUMITITY को HUMIIDTY है लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें समझिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है कि HUMIDITY है तो इसको देखिएगा कि हर एक सेकेंड वर्ड्स को फर्स्ट में लाना है, यानी कि देखिए अगर यू है तो पहले यू आया, ठीक है इसको समझिएगा, यू है तो पहले यू आएगा उसके बाद एच आया, ठीक है। फिर देखिए आई है, एम आई है तो आई पहले तो एम जो है सो पहले आ गया, आई जो है सो बाद में आया। फिर देखिए डी आई है तो आई पहले आया डी बाद में आया, तो यानी कि एक बार सही जा रहा है और एक बार उलट के जा रहा है, पहले से उलट कर जा रहा है और सेकेंड से सही जा रहा है। देखिए कैसे है कि यू एच है पहले, ठीक है यानी कि सेकेंड वर्ड को फर्स्ट में लाया, उसके बाद जो थर्ड वर्ड है सो सही है, एम आई जो है सो सही है, उसके बाद देखिए डी आई को आई डी कर दिया है। तो इसी तरह से इसमें भी हम करेंगे कि सबसे पहले जो है सो वर्ड को उल्टेंगे, तो देखिए पॉलिटिक्स है तो पी ओ है तो ओ ओ पी पहले लिखेंगे, ठीक है ओ पी पहले लिखेंगे और सेकेंड वाला को सेम रखेंगे, एल आई जो है सो सेकेंड रखेंगे, ठीक है। फिर जो अगला है सो टी आई है तो आई टी इसको करेंगे उलट देंगे और थर्ड फोर्थ जो है सो सही रखेंगे, सी एस रखेंगे। तो देखिएगा ओ पी आई आई टी सी एस कौन में है, ओ पी आई जो है और आई टी सी एस किस में है, तो ऑप्शन नंबर शायद ये जो है सो फर्स्ट में होगा, ठीक है ओ पी एल आई आई टी एस जो है सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, इसी तरह से क्वेश्चन और भी हम आपको बतलाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से यही रिक्वेस्ट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें, ताकि उनको भी इस टाइप्स के छोटे छोटे जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में कभी कभी फंस जाते हैं, तो इसको सीखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े। और जो भी नए साथी हैं, जो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के द्वारा हम और कुछ सीखें, तो डेली करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं मॉर्निंग में, आप उसको भी देखिए। मैथ्स के भी क्वेश्चन आपको बतलाए जा रहे हैं इस चैनल के द्वारा, और रीजनिंग का भी क्वेश्चन आपको अच्छी अच्छी क्वेश्चन बतलाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है इस चैनल के द्वारा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आप ही को फ़ायदा है कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप सबसे पहले देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, उससे हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने हमारे साथी हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड रख रहे हैं, जो रीजनिंग सीखने में इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है। तो वो लाइक आप लोग को ज़रूर देना है, और इसलिए जो हम बता रहे हैं कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुछ वैसा भी बात हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद मेरे सभी साथियों को, फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।